नाम शशिकांत शर्मा बहुत सारे लोग जानते हैं और मैं आप सभी लोगों का इस द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग सेशन में तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं और आपने इतने शानदार तरीके से वेलकम किया उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूं। एक बार जोरदार ताली आप सभी लोगों का। जानना चाहता हूं क्या सभी लोग मेंटली इसी हॉल में हैं? आवाज निकलनी चाहिए क्योंकि शेप शो नॉर्मल लोगों का काम नहीं है, ये पागल लोगों का काम है। क्या आप लोग पागल हो? आवाज निकालनी है क्योंकि आज अगर हम शर्माएंगे तो पैसा भी हमसे शर्माएगा, तो पागलपन है। आवाज निकाल सकते हो? हम सबकी जिंदगी के लिए एक बहुत शानदार दिन होगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि आज के दिन में जो नॉलेज आपको मिलेगा उस नॉलेज से आपके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे। तो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो? घर बनाना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो? तो अपने आप को इस हॉल के अंदर मेंटली यहां पे रखना है। ऐसा ना हो आप यहां पे फिजिकली बैठे हो और आपका दिमाग आपके घर पे किसी शादी में किसी फंक्शन में वहां पे पहुंचा हो। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसी हॉल में मेंटली रहें, क्योंकि आप सब लोग काफी दूर दूर से आए हो और मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं, नाम सुना है, कितने लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। नाम शशिकांत शर्मा और 13 साल पहले इस बिजनेस में आया है। ध्यान से सुनना जो बातें मैं आपसे भी शेयर करने वाला हूं। 13 साल पहले इस बिजनेस में आया था और खुशकिस्मत था कि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया वो मेरे मेंटर मिस्टर आजाद पटेल सर थे, क्योंकि मैं और मिस्टर आजाद पटेल सर हमारी एजुकेशन कॉलेज लाइफ हमारी साथ हुई है, उन्हीं की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। आज से 13 साल पहले उस वक्त में नेटवर्किंग को लोग कुछ अलग नजरिए से देखते थे, आज नेटवर्क मार्केटिंग का नजरिया बदल चुका है। अब लॉ आ गए हैं नेटवर्किंग के ऊपर, अब लोग समझना शुरू कर गए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ गरीब लोगों का काम नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हुए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाते हैं। और हम सब खुशकिस्मत हैं क्योंकि हम सब गरीब हैं और सबसे पहला हक अमीर बनने का सिर्फ गरीब के पास होता है। लोगों को बिजनेस प्लान समझाने जाता था कि आप इस बिजनेस में एक साल में 40 लाख रुपए कमा सकते थे, लोग छूटते ही पूछते थे तूने कमाए? बोला नहीं, बोला चल लूं थोड़ा निकल। ऐसा नहीं है कि हम आए इस बिजनेस में और ऊपर से पेड़ था उसको झाड़ा नेटवर्क बन गया, ऐसा कुछ नहीं था। हमने भी यह सुना है लोगों से कि तूने 40 लाख कमाए? नहीं। 1 लाख महीना कमाता है? नहीं। चल लूं असला बोलिए इस तरफ बंद कर, ये रास्ता है निकल। वो दौर हमने देखा है, क्या आपने देखा है? नहीं। आज लोग समझ गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। कल भी यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन था, मैं यहाँ पे कल बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति कहते कि सर आप कितने साल पहले आए थे, आपके मजे थे? तो मैंने उसको जवाब दिया कि 14 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जिगरा होना चाहिए था। ऐसे ऐसे सवाल लोग करते थे, हम लोगों के पास जाते थे, लोगों को प्लान समझाते थे। आप भी जाते हो कि नहीं जाते? आवाज निकलनी चाहिए। जाते हो? प्लान समझाते हो? क्या सारे के सारे सीधे सवाल पूछते हैं? मेरे मेरे पूछते कि नहीं पूछते? पूछते कि नहीं पूछते? कैसे कैसे सवाल लोग हमसे पूछते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि आज हम सब लोग यहाँ पे सिर्फ एसोसिएट हैं, गेस्ट नहीं है हमारे बीच कोई। आज हम सब एसोसिएट हैं, आप जानते हैं लोग कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल उससे पूछा जाता है जो फील्ड में जाता है, जो घर की गुफा में कैद है उससे सवाल नहीं पूछा जाता। सही बोल रहा हूं? अगर हमें अपने बिजनेस
बढ़ाना है तो हमें लोगों के घर जा जा करके प्लान देना पड़ेगा। हम भी वैसे ही चाहते थे, लोग मना करते थे, लोग बोलते थे कंपनी भाग जाएगी, लोग बहुत तरह की उल्टी उल्टी बातें बोलते थे, नेगेटिव करते थे, लेकिन हम कभी रुके नहीं, हम कभी रुके नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे 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 काम करते गए, नेटवर्क बनाते गए और आज 13 साल के बाद 2.5 लाख सारा का नेटवर्क खड़ा कर दिया। लेकिन इस नेटवर्क के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है सबसे बड़ा हाथ अपलाइन का, सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है सिस्टम का। शेषों में जिंदगी को बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, दिल लगाना पड़ता है। 4 साल ईमानदारी से दिल लगाओ, 4 साल ईमानदारी के साथ इस शेषों में दिल लगाओ। किसी का बाप आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता है, सिर्फ 4 साल लगाओ। शेषों में कामयाबी के लिए वक्त नहीं लगता है, शेप शॉप में कामयाबी पाने के लिए हमें अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। तैयार हो? लगा सकते हो? 4 साल का जो संघर्ष है वो आपके बिजनेस में करना पड़ेगा। झारखंड में हमारा ना कोई मामा है, ना कोई चाचा है, ना कोई मौसा है, फिर भी झारखंड के अंदर 1 लाख से ज्यादा का नेटो खड़ा कर दिया है। आपके तो सारे यहीं पे हैं, है नहीं है? आवाज नहीं है? है नहीं है? फिर क्यों डरते हो? डरोगे ना तो जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकती। डर को भगाना पड़ेगा। आप इस हॉल में आए हैं, यहां से क्या लेके जाना है? यहां से लेके जानी एक सोच, यहां से लेके जाना एक विश्वास, यहां से लेके जाना है एक विजन जो आपको फील्ड में सपोर्ट करेगा, जो आपको फील्ड में आपकी मदद करेगा। शेषों वो कंपनी है जो मेहनत से काम करते हैं, जो संघर्ष करते हैं वो लोग पैसा कमाते हैं। जो लोगों का पैसा खाते हैं वो सक्सेस नहीं होते। आप सब लोगों को अपने आप के लिए ड्रीम सेट करना पड़ेगा। जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, रोज फील्ड में जाते हो, रोज प्लान करते हो, रोज शेयर उठाते हो, कैसे कामयाबी मिलेगी, कैसे सक्सेस होंगे? जिस काम को करने में हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। आपको अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको अपने काम को वैल्यू देनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जिंदगी की पहली प्रायोरिटी शेक शॉप है। अगर मेरे माँ बाप के बाद मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो मेरे एम्प्लॉय और मेरी कंपनी का है। हम लोग अपनी कंपनी से प्यार नहीं करते, चला तो चला देंगे, नहीं तो सारा ध्यान से जिंदगी चला देंगे, ऐसा नहीं है। इसको बदलो, सोच को बदलो। 5 साल के बाद आप इस बिजनेस से चाहो तो 50 लाख की कार ले सकते हो, है दम? यस सर। दम है? दिखा सकते हो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फील्ड में जाना पड़ेगा, प्लान करने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को शेषों के बारे में बताना पड़ेगा। हम ऐसा करते नहीं है तभी तो बिजनेस नहीं हो रहा, तभी तो बिजनेस स्लो है, तभी तो इनकम कम है, तभी तो रैंक कम हो रहे हैं। और आप तो जानते हैं जो शेषों हमारे लिए कर सकती है दुनिया की कोई कंपनी किसी के लिए नहीं कर सकती, इतनी ताकत है शेषों की। अभी संजय कह रहा था यहां से, नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज वो ताकत है जो आपको इतना मजबूत करती है अंदर से ताकि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सके। क्या आपके पास अपने बिजनेस का नॉलेज है?
मैं कह रहा हूं नहीं, लोग हमसे चार सवाल पूछते हैं, हम अपना बोरिया बिस्तर फाड़ के निकल जाते हैं। निकलते कि नहीं निकलते? निकलते कि नहीं निकलते? मैं कई बार ट्रेनिंग में बता चुका हूं कि हमें दो कैटेगरी के लोग मिलते हैं फील्ड में, दो कैटेगरी की। मैं बहुत बार ट्रेनिंग में बता चुका हूं, सच्चाई है। पहली कैटेगरी मिलती है, हम लोगों को बिजनेस प्लान समझाते हैं, वो प्लान सुनते सुनते हाँ जी सर, 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 और लास्ट में बोलते हैं ज्वाइन करेगा, अभी सोचेंगे सर। ऐसा होता है कि नहीं? आवाज निकालो भाई, होता है। हमें प्लान देते वक्त क्या लगता है कि ये तो लपेटे में आ जाएगा, लगता कि नहीं लगता है? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी में जैसे आप एक कैटेगरी लेते हो, आपके राइट में कट में आता है, लेफ्ट में और आपकी इनकम आना शुरू हो जाती है, आप एक साल में 40 लाख कमाते हो। वो कहता है हाँ जी सर, हाँ जी सर, हमें लगता है ये लपेटे में आएगा। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? फिर एक दूसरी कैटेगरी हमारे को मिलती है, हम प्लान दे रहे, वो प्लान देते बोले कंपनी भागी तो हम बोलते उसको पहले प्लान तो सुन ले, फिर हम उसको बोले हमारे साथ ये कंपनी काम करती है, ये कंपनी प्रोडक्ट है, वो बोलते कंपनी नहीं चली तो, फिर आप उसको बोलते पहले पूरा प्लान तो सुन लो। जैसे आप प्लान देने लगे, आपने कहा जैसे आप इस बिजनेस में आते हो, एक आपके राइट में आता है, एक आपके लेफ्ट में आता है, वो बोलते एक नहीं आया तो आपको लगता है ये सारा सबसे बड़ा हरामी है ना? लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि वो आपके अंदर के नॉलेज को चेक कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। आप बात को समझो, वो हमसे पूछ रहे हैं, हमें लग रहा है साला ये ना नहीं आएगा बिजनेस में। जो सीधे सीधे बात करता है वो कभी नहीं आता, लास्ट में वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछता है और लास्ट में होता क्या है, वो ही आदमी शीर्ष पर आता है। आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? लेकिन अगर हमारे पास लोगों के सवालों के जवाब नहीं है, क्या व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में आएगा? क्या वो हमारी शिप शॉप में विश्वास करेगा? नहीं करेगा विश्वास। तो आपको अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का नॉलेज भरपूर होना चाहिए, तभी आप लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं। समझ आ रहा है? मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि गेस्ट कम डरा है, जो प्लान दे रहे हैं उसके हाथ में कंपन हो रही है, उसको उठाता धमका पड़े, क्योंकि उसके पास नॉलेज। तो अपने नॉलेज को अपडेट करो, बढ़ाओ, अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखो। क्योंकि कोई भी आदमी अगर जो काम कर रहे हो, अगर उस काम में उसके पास 100% नॉलेज है, तभी तो वो पैसा कमा रहे। हमारे लोगों को आते लोगों को तो हमारे लोगों को यही पता नहीं कि चेक कब बनता है, प्रोडक्ट कैसे आता है, कंपनी पैसा कहां से देती है, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट नहीं आया तो, दो नहीं आए तो। ये नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? ये नॉलेज मिलेगा आपको अपने अपलाइंस से। आप उस बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा। और शेप शॉप उन लोगों को देती है जो अपनी जिंदगी शेप शॉप के नाम कर देते हैं। यस सर, समझ आ रहा है? शेप शॉप उन लोगों को देती है जो अपनी जिंदगी शेप शॉप के नाम कर देते हैं। आप शेप शॉप को क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन शेप शॉप मैं जब से जुड़ा हूं आज तक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी, मेरा सबसे पहला प्रथम कार्य जिसको हिंदी में कहते हैं शेप शॉप। और जब तक जिंदा है तब तक शेप शॉप करेंगे। आज भी हमारे कई नए लोगों को मार्केट में मिल जाते हैं झोला छाप, मिलते कि नहीं मिलते? आपको यहां पे आके सूट ही नहीं बदलना है, अपनी सोच भी बदलनी है। कोई भी झोला छाप मिल जाएगा ना, वो आपको समझाएंगे इसको छोड़ इधर आ गया, आप होती इधर तो चल नहीं रहे, इधर चल रहे। रास्ते बदलने वाले सक्सेस नहीं होते। हमने जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं, अपलाइन सामने बैठे हुए हैं, हमने आज तक किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में जानने की इच्छा ही नहीं की, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा महासागर है, जो यहां अपनी प्यास नहीं बुझा पाया सारा, वो किस कोने में अपनी प्यास बुझाएगा? सबसे बड़ा महासागर शेप शॉप, सबसे बड़ा महासागर शेप शॉप है। आज कसम खा के यहां से जाना है कि अगर एक बाप की औलाद है तो सारा 5 साल दिन से शेप शॉप करेंगे, वरना सारा किसी कंपनी में काम नहीं करेंगे।
सबसे पहले चुनाव करना पड़ेगा सही प्लेटफॉर्म पर। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, अच्छा रास्ता मिले। आज भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपना नॉलेज, अपना कैलिबर, अपना पोटेंशियल 10, 12, 15, 20 हजार में खत्म कर रहे हैं। और हमारी इंडस्ट्री में आज भी ऐसे लोग हैं जो ठेका मारे सारा 10-10 लाख रुपए का कमाते हैं। आप सोचो इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, मजाक है क्या? बर्तन धोने वाले से पूछो पैसा कैसे आता है, जो साइकिल पे कोयला फेंकता है उसको पूछो पैसा कैसे आता है, और जो शेयर शॉप में 5 साल लगा चुका है उसको पूछो पैसा कैसे आता है। मैंने और आपको पूछो पैसा कैसे आता है, मुकेश को पूछो पैसा कैसे आता है, श्री ठाकुर को पूछो पैसा कैसे आता है। इन्होंने कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं की है, इन्होंने अपनी जिंदगी से शौक के नाम की है, तभी आज सारा करोड़ों रुपए कमाते बैठे हैं। अगर सक्सेस चाहिए, अगर कुछ बड़ा चाहिए, तो आज यहां से एक चुनाव करके जाना कि मेरी जिंदगी की पहली और लास्ट कंपनी शेयर शॉप है। स्कूल बदलने से बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं, सही बोलो? अगर आप कंपनी बदल दोगे, क्या वो कंपनी करोड़पति बना देगी? क्या वो कंपनी फ्री में पैसा दे देगी? क्या मेहनत नहीं लगेगी वहां पे? यहां क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे दिमाग में है, हमें सिर्फ उस प्रॉब्लम को समझना है। मैं वादा करता हूं कि जितना शानदार सिस्टम हमारे अपलाइन ने, हमारे मेंटर्स ने हमारे लिए बनाया है, दुनिया की किसी कंपनी में नहीं है, दुनिया की किसी कंपनी में नहीं है। बस अपने आप को अंदर से पहचानने की जरूरत है। याद रखना, बाहरी स्वरूप हम कैसे भी बदल सकते हैं, नए कपड़े, नई टाई, नए शूज, मेकअप कर लिया, बदल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान को अंदर का स्वरूप बदलना पड़ता है। यस सर, कहां था? अंदर का स्वरूप बदलना पड़ता है। आपने सुना है ना, कई लोग कमीने होते हैं, तो माथे में तो नहीं निकल, कमीने हैं वो, कहां से कमीने होते हैं? कई लोग चोर होते हैं, कहां से होते हैं? आपको यहां से जाना है, अभी बहुत ट्रेनिंग सेशन होगा, आप बहुत सारे मेंटर से मिलेंगे, बहुत सारे अल्टीमेट वॉरियर से मिलेंगे, बेस्ट परफॉर्मर से मिलेंगे। आप अपने आप के अंदर के स्वरूप को बदलिए। जो अंदर से बदला वो इस बिजनेस में सक्सेस होता है, जो अंदर से अपने आप को नहीं बदल पाया, बाहरी मन से तो हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी करेगा और लास्ट में दिमाग अपना लगाएगा, तो वैसे लोग सक्सेस नहीं होते। आपको सक्सेस होने के लिए अंदर के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए सबसे पहले इंसान को एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। बनना पड़ता नहीं, बनना पड़ता। चोर भी करोड़पति हैं, लेकिन रात को, दिन को नहीं, सही बोल रहा हूं? लेडीज डिपार्टमेंट मटका लेते हैं मार्केट में, मिट्टी के मटका लेने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? मटका उठाते मेरे से कर दे दो। करते नहीं करते हैं? क्यों करते हो? जिंदगी में अगर आप सबको इस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो क्या भगवान चेक नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? आप लोगों को प्लान देने गए, उसने बोला नहीं हुआ, तो ये मत सोचना कि ये प्रॉब्लम है, ये सोचना भगवान ऊपर से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर भगवान आपके घर में 8 से 10 लाख रुपए महीना देगा, अगर भगवान आपको करोड़पति बनाएगा, तो ये चेक नहीं करेगा वो? करेगा नहीं करेगा? तो आज की बात प्रॉब्लम आएगी तो डरना, बस ये सोचना कि टक्कर हो रही है किसकी, भगवान की, वो आपको चेक कर रहे हैं। अरे भगवान अगर आपको 10 लाख रुपए देगा,
अगर आपके पास संभालने की वो ताकत ही नहीं है तो वो तो लोग उगा के ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। इसीलिए पैसा कमाने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। बनोगे बनोगे फील्ड में जाओगे पक्का, क्योंकि आज आपको यहां से विजन लेके जाना है और अपने और अपने परिवार के लिए आने वाले 5 सालों में आपको क्या चाहिए वो सोच आपको यहां पे बनानी है और आने वाला वक्त आपके और आपके परिवार के लिए शेफों की वजह से लाखों रुपए इनकम आए ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं। और आप अपनी मेहनत में कमी ना रखें, मेहनत को बढ़ाएं। अभी तक कोई मेहनत नहीं हो रही है क्योंकि लोग दशहरा दिवाली में कीजिए। आज के बाद याद रखना सेल घर में नहीं होती है। सेल कहां है? जंगल में है। सेल कहां है? जंगल में। आज जंगल में भी सेल है लेकिन सेल उठाने के लिए फील्ड में तो जाना पड़ेगा ना। अगर फील्ड में नहीं जाओगे तो सेल आएगी? अगर सेल नहीं आएगी तो धंधा बढ़ेगा? ऐसा कभी नहीं होगा माय डियर कि आप घर में बैठे हो कोई सेल आई बोले भाई मेरे को कोई काम नहीं तो मेरे सेल लगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 13 साल के अंदर मेरे को ऐसा कोई इंसान तो छोड़े कुत्ता भी नहीं मिला जिसने बोला मेरी सेल लगा। सेल लगाने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? घर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे ना? घर नहीं छोड़ोगे? मैंने देखा है झारखंड के अंदर जो आदमी घर नहीं छोड़ता है उसका बिजनेस छूट जाता है। तो आप क्या चाहते हो, घर छोड़ रहे हो या बिजनेस? क्या छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे? और 4 से 5 साल ईमानदारी के साथ इस बिजनेस में काम करिए, मैं यही कहना चाहता हूं। और ये कंपनी हम सबकी अपनी कंपनी है। जितना प्यार आप अपने माँ बाप से, जितना प्यार आप अपने बच्चों से करते हो उतना ही प्यार आप अपनी कंपनी हमारी कंपनी हमारी प्यारी कंपनी शेफ शॉप से करो। किसी का बाप आपको मेहरबानी से रोक नहीं सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।